हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 60। हम 60th वर्कशीट में पहुंच चुके हैं एंड द डेट इज 1 दिसंबर 2020। योर क्लास इज 10th। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और एज इट इज आप अपने नोटबुक में स्टार्ट करेंगे जब आप अपना होमवर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क हमें करना है और किसके बेस पर करना है। द डायग्राम बिलो शोज द चेंजेस मेड इन अ पार्क। आपको दो डायग्राम नीचे दिखा रखे हैं जिसमें कुछ चेंजेस हो रखे हैं समय के साथ, और उस पे आपको क्या करना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है समराइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन वेयर एवर रेलिवेंट। आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, आपको इन्फॉर्मेशन को समराइज करना है और कैसे जो मेन फीचर्स, जो इसमें फीचर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ प्रोशियन है, साइकिल पाथ है, कैफे है, पार्क वेन्यू है, पार्क वेन्यू माने रास्ता, तो इन फीचर्स को आपको दिखाना है और कंपैरिजंस करने हैं कि दो डायग्राम्स में कौन कैसा डिफरेंस आया है समय के साथ, विच एवर एवर रेलिवेंट, जहाँ आपको ठीक लगे। तो ये जैसे दो डायग्राम देख लेते हैं। जो ये डायग्राम फर्स्ट है, ये 8th 10 2015 का, और इंडिया के एक पार्क का डायग्राम है जिसमें बिल्कुल नॉर्थ साइड में पार्क के ओशियन है, उसके बाद साइकिल पाथ है, लेफ्ट में आप कुछ ट्रीज देख सकते हैं और राइट में एक कैफे देख सकते हैं, सोकर फील्ड, सोकर माने फुटबॉल फील्ड, और कुछ ट्रीज भी हैं, और बिल्कुल डाउन में आप देखेंगे पार्क वेन्यू, जो एंट्रेंस का जो रास्ता है। और यहाँ में जो सेकेंड डायग्राम है इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे ओशियन साइकिल पाथ सेम है, और जैसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर सिर्फ ट्रीज थे तो कुछ बेंचेस लगा दिए गए हैं लोगों के लिए बैठने के लिए, और कुछ बारबिक्यू होते हैं, कुछ शॉप्स होती हैं, और जैसे कोई ग्रिल्ड मील जिस पर पकाया जाता है, एक ऐसा स्टोव होता है वहाँ पर, ये ओपन में यहाँ पर ये बारबिक्यू शॉप्स लगा रखे हैं जहाँ पर आप ग्रिल्ड मील खा सकते हो, जैसे आप ग्रिल्ड चिकन वगैरह और कुछ वेजिटेरियन, कुछ ग्रिल्ड जो फील्ड जो सामान होता है वो आप यहाँ से खा सकते हो। और राइट साइड में हम देखेंगे कि एक टेनिस फील्ड यहाँ पर भी ऐड कर दी गई है और बाकी चीज़ें सेम है। तो इसके ऊपर हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। आप पिछली वर्कशीट में आपने 4 से 5 नंबर वर्कशीट पहले आपने एक पैराग्राफ आपने दिल्ली गैस फॉर ब्रेथ वाले में भी आपने लिखा था, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। तो इस पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। हमने जो हेडिंग डाली चेंजेस इन अ पार्क, और इसको शुरू करते हैं। एज टाइम इवॉल्व्स, जैसे जैसे टाइम चलता है, चेंजेस आर मेंट टू हैपन इन आवर एग्जिस्टिंग सराउंडिंग्स, एटमोसफेयर, सिस्टम्स एटसेट्रा। जो परिवर्तन है वो होंगे ही होंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग सराउंडिंग है, आसपास है, जो हमारे एटमोसफेयर, जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो चल रहे हैं समय के साथ, वो चीज़ें बदलेंगी। द डिपिक्टेड डायग्राम्स आर ए क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ द चेंजेस टू प्लेस इन अ पार्क दैट इज लोकेटेड नियर अ ओशियन। ये जो डिपिक्टेड माने जो ये डायग्राम्स दिखाए गए हैं, इसमें क्लियर बिल्कुल साफ इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल साफ तरीके से हमें दिखाया गया है जो चेंजेस हुए हैं इस पार्क में, जो कि पार्क की लोकेशन यहाँ पर बताई गई कि ओशन के पास है। ओवरऑल अ स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस इन द पार्क। जो चेंजेस हुए हैं वो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस पार्क में अगर हम देखें तो। आगे इसमें बताया गया है इन द डायग्राम ऑफ 2015, अगर वो माने कि वो डायग्राम 2015 का है, जैसे कि उसमें रिटर्न है, देयर वाज एन ओशियन इन द नॉर्थ ऑफ द पार्क। पार्क के जो नॉर्थ साइड में एक ओशियन था, अ साइकिल और साइकिल स्टैंड, यहाँ पर इसको पाथ कर लीजिए, साइकिल स्टैंड साइकिल पाथ, वहाँ पर एक साइकिल पाथ है, साइकिल स्टैंड भी आप बोल सकते हो, वॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ द पार्क। अगर हम नॉर्थ साइड से एंट्री करेंगे तो आपको साइकिल पाथ, एक साइकिल स्टैंड उसमें देखने को मिलेगा। इन द मिडल ऑफ द पार्क, मिडल पार्क के बीच में, देर वर सम ट्रीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्क एंड अ कैफे एंड अ सोकर फील्ड इन द राइट साइड ऑफ द पार्क। आपको कुछ ट्रीज दिखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एक कैफे दिखेगा, और एक आपको सोकर फील्ड, फुटबॉल फील्ड भी आपको देखने को मिलेगी। कमिंग डाउन टू द डायग्राम, अगर डायग्राम के नीचे आए या पार्क के बिल्कुल बॉटम में आए हम, वी कैन सी अ पार्क एवेन्यू फॉर एंट्रेंस। हम एक पार्क एंट्रेंस देखते हैं और लोगों के लिए। उसके बाद हम चेंजेस की बात करेंगे। हाउएवर इन द सेकंड डायग्राम मैनी रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व, जो चेंजेस हम कर सकते हैं, जरूरत थी वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फ्यू बेंचेस एंड सम बारबिक्यू शॉप्स हैव बीन सेटअप, कुछ
कुछ बेंचेस और कुछ बारबेक्यू शॉप्स वहाँ पर सेटअप कर दी गई हैं, वहाँ पर लगा दी गई हैं। ऑन द राइट साइड अ टेनिस फील्ड हैज़ बीन एस्टेब्लिश, और द राइट साइड में मिडिल ऑफ द पार्क में एक टेनिस फील्ड को भी वहाँ पर स्थापित किया गया है। एट लास्ट हम बोल सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट द पार्क वॉज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द रिक्वायर्ड चेंजेस हैड बीन मेड। पार्क को चेंज किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया, कम्प्लीटली चेंज तो नहीं किया गया, कुछ थोड़ा ही चेंजेस हुए हैं जो कि रिक्वायर्ड चेंजेस उसमें किए गए हैं। तो ऐसे आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट और 2 गज की दूरी बनाए रखें एज शोन इन दिस पिक्चर, और अपने आप को कोविड-19 से सेव रखें। यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है, एंड इफ़ यू फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल होल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।